आज से देश भर में लागू होंगे नए नियम। बैंकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों में बदलाव और यूपीआई स्पैम कॉल और मैसेज के कई नियमों में भी बदलाव। और अगर बात की जाए, कमर्शियल गैस सिलेंडर भी महंगा हुआ। 19 kg वाला सिलेंडर 62 रुपए महंगा हुआ। एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया और ऐसे में अब 60 दिन पहले करानी होगी एडवांस बुकिंग। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है सीधा असर। यूपीआई स्पैम कॉल और मैसेज के कई नियमों में बदलाव। बैंकिंग, ट्रेन टिकट के नियमों में बदलाव किया गया है और ऐसे में आज देश भर में लागू होंगे नए नियम। बैंकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग के कई नियमों में बदलाव। यूपीआई स्पैम कॉल और मैसेज के कई नियमों में बदलाव। कमर्शियल गैस सिलेंडर भी महंगा हुआ। 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर जो है वो 62 रुपए महंगा हुआ है। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, आज देश भर में नए नियम लागू होंगे, अगर बात की जाए तो कौन कौन से वो नए नियम होंगे जिनमें बदलाव देखने को मिलेगा? जी सुनिया, हर महीने की में नए नियम लागू होते हैं और ऐसे ही इस बार भी देखने को मिला है। सबसे बड़े नियम की बात करें तो जो एलपीजी का सिलेंडर है जो कि 19 किलो वाला है, उसमें 62 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन जो घरेलू 14 किलो वाला सिलेंडर होता है उसके रेट्स में कोई भी बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। साथ ही साथ दूसरा जो चेंज किया गया है वो ट्राई द्वारा जो है दिशा निर्देश जारी किए गए टेलीकॉम सेक्टर्स को, जिसमें एयरटेल, जियो, वोडाफोन जैसी जो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको ट्राई ने निर्देश जारी करके कहा है कि जो फर्जी यानी फेक और फ्रॉड स्पैम कॉल्स या मैसेजेस जो यूजर को आती है कस्टमर्स को, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम को जो है वो लागू किया जाए। तो यानी अब ट्राई जो है सभी जो टेलीकॉम सेक्टर है उन पर एक ट्रैकिंग सिस्टम लगाएगा, जिससे जितने भी फर्जी या फेक स्पैम कॉल्स आते हैं उनको पहले ही ट्रैक करके जो टेलीकॉम सेक्टर है वो पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो यूजर्स को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ अगर रेलवे की बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे ने भी जो अपनी एडवांस बुकिंग का जो सिस्टम था उसको 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया। यानी पहले जो लोग 120 दिन पहले ही एडवांस टिकट बुक करा लेते थे, लेकिन अब वो 60 दिन पहले ही उन्हें बुक करानी होगी। और ऐसे ही कई नियम अलग अलग सेक्टर्स में भी देखने को मिले। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई ने जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर क्रेडिट कार्ड है, इन सब का डिजिटलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो और फिजिकल वहां पर बैंक में जाकर कम किया जा सके, ताकि जो लोग हैं घर बैठे आसानी से अपने कंप्यूटर या फोन के माध्यम से ही इन चीजों का प्रयोग कर सके और अपनी जो है समस्याओं का हल निकाल सके। तो ज्यादा फोकस किया जा रहा है डिजिटलाइजेशन के ऊपर। और साथ ही साथ आरबीआई की वेबसाइट पर यह भी दिया गया है कि नवंबर में कुल 13 दिन जो है बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाए जा रहे हैं, जिस कारण 13 दिन ऐसे रहेंगे नवंबर के जिनमें बैंक बंद रहेगा। हालांकि ये भी जानकारी दी गई है कि जो बैंक के काम है वो ऑनलाइन सामान्य तौर पर आप कर सकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के अलग अलग नियम जो है लागू किए हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर भी पड़ सकता है। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात की जाए तो उसमें अभी आम आदमी पार्टी की जेब पर काफी ज्यादा आम आदमी लोगों पर असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार सिलेंडर्स में बढ़ोतरी हो रही है। 19 kg वाला सिलेंडर जो है वो 62 रुपए महंगा हो गया है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को कितनी ज्यादा परेशानी झेलने को मिल रही है, क्योंकि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। जी सोनिया, बिल्कुल, ये जो झटका लगा है दिवाली के बाद महीने की शुरुआत में आम आदमी की जेब पर, इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 19 किलो वाला सिलेंडर था वो वैसे तो आम आदमी अपने घरों पर नहीं यूज करता, लेकिन जो बाजारों में या फिर हलवाई सिलेंडर कहा जाता है 19 kg वाले को, हलवाई यूज करते हैं कमर्शियल के तौर पर, और उसको हलवाई की दुकानों पर जो सामान मिलता है चाहे समोसे, जलेबी, इसके दामों में जरूर बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आम आदमी की जनता की जेब पर जाएगा। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।